निर्धारित आइटम की दो दिवसीय हड़ताल में पहले दिन विविध कामगार व कर्मचारी संगठनों की ओर से संविधान चौक पर सैकड़ों की संख्या में कामगार पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ती महंगाई को रोकने, बेरोजगारों को स्थायी रोजगार देने, कामगार विरोधी कानूनी लाना बंद करने, ठेकेदारी पद्धति बंद करने, 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने, असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा व पेंशन लागू करने, कामगार संगठनों का पंजीयन 45 दिनों के भीतर करने, अस्थायी कामगारों को नियमित कामगारों की तरह समान वेतन, बोनस व ईपीएफ की सीलिंग समाप्त करने, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तुरंत बंद करने, योजना कामगार, आंगनवाड़ी, आशा आदि कामगारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, रेलवे, डिफेंस व वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण बंद करने, विदेशी निवेश बंद करने जैसी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की गई। इसमें आईटक, ईटक, सी2, टीयूसीसी, एआईटीयूसीसी, एआईटीयूओ व केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के हजारों कामगार शामिल हुए। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज